ने कभी भी दीन और दुनिया के इल्म की शनाख्त नहीं की थी, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा इल्मन नाफे, ए अल्लाह मुझे तू नफे वाला इल्म अता फरमा। और किस चीज़ से पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका इल्मन ला यनफो, ए अल्लाह मैं ऐसे इल्म से पनाह मांगता हूँ जो नफा न पहुँचाता हो। तो इल्म कौन सा है, दुनिया या दीन का इल्म नहीं है, इल्म नफे वाला या नुकसान वाला। तो अल्लाह के रसूल ने तो दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे नफे वाला इल्म अता फरमा। तो कोई भी इल्म जो नफा पहुंचाता हो इंसानियत को, तो वो इल्म हमें हासिल करना है। और हर वो इल्म जो इंसानियत के लिए नुकसान पहुंचा रहा हो, समाज के लिए नुकसान पहुंचा रहा हो, उससे हमें पनाह मांगने की जरूरत है। बल्कि ये तो दुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में उन उलूम को हासिल करना है, इससे कि इल्म जो है इसी की बुनियाद पर आप आगे चल पाओगे, इसी की बुनियाद पर हमारी दुनिया में शनाख्त हुई थी।